हेलो गाइस, टेक बॉस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फाइनली रियलमी ने अपना नए नए 5G इंडिया में लॉन्च कर दिया और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए फटाफट शुरू करते हैं और आइए जानते हैं इसकी क्या खास स्पेसिफिकेशन होने वाली है और क्या खास प्राइसिंग रहने वाली है। इसकी डिस्प्ले से शुरुआत करते हैं। इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.6 इंच की फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी होने वाली है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। अगर इसकी डिस्प्ले की आउटडोर विजिबिलिटी की बात करें तो इसमें 460 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस रहने वाली है, जिससे इस फोन की आउटडोर विजिबिलिटी काफी हद तक अच्छी होने वाली है। अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो जो इसका बैक है वो प्लास्टिक का होने वाला है, इसका जो फ्रेम है वो भी प्लास्टिक का होने वाला है। इसके बैक साइड पे आपको लेजर लाइट डिजाइन जैसा देखने को मिलता है और ये इस फोन को काफी यूनिक बनाता है। अगर इसकी कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप होने वाला है। इसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है, 2 मेगापिक्सल का इसमें पोर्ट्रेट लेंस होने वाला है और 2 मेगापिक्सल का इसमें मैक्रो लेंस होने वाला है। इसके कुछ सैंपल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके रियर कैमरे से आप फुल एचडी वीडियो 30fps तक शूट कर सकते हैं। अगर इसकी सेल्फी की बात करें तो इसमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होने वाला है। इसके कुछ सैंपल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके फ्रंट कैमरे से भी आप फुल एचडी वीडियो 30fps तक शूट कर सकते हैं। अगर इसके चिपसेट की बात की जाए तो इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 चिपसेट होने वाला है, जो कि 6 नैनोमीटर पर बेस्ड है। यानी इस फोन की परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त होने वाली है और एक 5G चिपसेट होने वाला है। इस फोन में LPDDR4 XRAM UFS 2.2 और अप टू 5GB तक RAM एक्सपेंडेबल का ऑप्शन भी इसमें होने वाला है। अगर इसके सिम स्लॉट की बात करें तो इसमें ट्रिपल कार्ड स्लॉट होने वाला है। इसमें आप 2 सिम कार्ड और 1 SD कार्ड आसानी से एक साथ लगाकर यूज कर सकते हैं और आप इस फोन में 1 TB तक का SD कार्ड आप इसमें लगाकर यूज कर सकते हैं। अगर इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें 5 mAh की एक बैटरी और 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इसमें देखने को मिलता है। अगर इसकी थिकनेस की बात करें तो इसमें 8.1 mm के आसपास इसकी थिकनेस होने वाली है, 187 ग्राम के आसपास इसका वेट होने वाला है। फोन काफी लाइट वेट होने वाला है। अगर इसकी ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो इसमें 3.5 mm जैक और सिंगल स्पीकर का सपोर्ट इसमें होने वाला है। इसकी ऑडियो क्वालिटी एवरेज रहने वाली है। अगर इसकी सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट होने वाला है। अगर इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो इसमें रियलमी यू आई 3.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 इसमें आउट ऑफ द बॉक्स होने वाला है। अगर इसकी कलर की बात करें तो इसमें 2 कलर वेरियंट देखने को मिलते हैं, रॉकिंग ब्लैक, मेटालिका गोल्ड। फाइनल इसकी प्राइस की बात करें तो इसमें हमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, 4GB 64GB जिसका प्राइस 14,999 रुपये रखा गया। इसका जो दूसरा वेरिएंट है 6GB 128GB जिसका प्राइस 16,999 रुपये रखा गया। और उसकी जो फर्स्ट सेल में जो स्पेशल प्राइस रहने वाला है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप इस फोन को खरीदना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ जगह चेकआउट कर सकते हैं। आपको इस फोन के स्पेक्स और प्राइसिंग कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्द मिलते हैं आपसे अपने अगली नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना ख्याल रखें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।